अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्राउन्स मेकअप लुक। नहीं, मैं नहीं मानता। यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले मॉइस्चराइज कर लेना है फेस को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद हम कोई भी सीरम लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने डॉक्टर राशिद का सीरम यूज किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं कार्ला ब्यूटी सीक्रेट की पैलेट यूज कर रही हूँ। अच्छा, ये कंसीलर फाउंडेशन भी इसमें से आप लगा सकते हैं और ब्लश ऑन भी इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिपस्टिक भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आईब्रो को अपने सेट कर लिया है और इसी तरह मैंने अपने आईज को भी कंसीलर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं एसेंस का जो है कॉम्पैक्ट पाउडर क्या मैं चल अपनी आईज को सेट कर लूंगी। बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी जो कंसीलर लगाया उससे क्रीज ना पड़ जाए आंखों पर। इसके बाद मैंने साइडों पे अपने टेप लगा ली है किसी ने सुना तो नहीं आंखों के। और यहाँ पर मैं तीन शेड्स पिक करूंगी एसेंस की न्यूड पैलेट से, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और जो है शिमर शेड मैंने ले लिया गोल्डन। तो ये एक ट्रेंड चला था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने फिंगर से ही आई शेडो अप्लाई किए हैं तीनों। सबसे पहले मैंने डार्कर शेड लिया जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया, फिर मैंने एज अ बेस जो है ट्रांजिशन कलर लिया, फिर उसके बाद मैंने जो है इनर कॉर्नर पर अपने जो है मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा शिमर शेड लगाया। इसके बाद यहाँ पर मैं आंखों के ऊपर मैंने हल्का सा ब्रश लेके जो है उससे ब्लेंडिंग कर दी ताकि एक जैसे आई शेडो हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर एसेंस का ब्राउन आई लाइनर यूज किया है, मैंने फर्स्ट टाइम ही वीडियो में यूज किया और बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट मुझे मिला। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। मैंने लैशेस वगैरह नहीं लगाई हैं अभी। यहाँ पर मैं प्राइमर यूज कर रही थी। प्राइमर यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर एसेंस का ही मस्कारा लिया है जो फिर से बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर मैं जो है एसेंस का कैमोफ्लेज कंसीलर यूज कर रही हूँ इन शेड टॉफी। इससे मैं अपने डार्क सर्कल्स को और जहाँ पर मुझे पिगमेंटेशन है एरियाज पे वहाँ पर मैं ये यूज करूंगी। इसके बाद मैंने कंसीलर वाला ब्रश लिया है जो कि मैंने शीन से ऑर्डर किया था, बहुत ही जबरदस्त, इससे ब्लेंडिंग हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर मैं फाउंडेशन ले रही हूँ, ये भी एसेंस वालों का। यहाँ पर मैंने काफी प्रोडक्ट्स एसेंस वालों की यूज की है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने फिंगर से वार्म अप कर लिया थोड़ा सा फाउंडेशन को और उसके बाद अपने फेस पर लगा रही हूँ। फाउंडेशन यूज करने से पहले उसको मिक्स जरूर कर लिया करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने फाउंडेशन को जो है ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने आई लैशेज यहाँ पे लगाई है। आई लैशेज मैंने ये अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी जो कि बहुत ही जबरदस्त लैशेज मुझे मिली है। ये मैंने फर्स्ट टाइम ही इधर वीडियो में लगाई है और ये देखें बहुत जल्दी से लग भी गई। लैशेज के लिए ग्लू जो मैंने यूज किया वो है एसटी लंदन वालों की। इसके बाद मैं यहाँ पर एसेंस का फिर से कंसीलर यूज करूंगी लाइट शेड, ये लाइट एवरी है। जो जो आपने अपने एरियाज को टी जोन एरियाज को हाईलाइट करना है वहाँ पर आप लोग ये वाला कंसीलर यूज कर सकते हैं। और मैं फिर से दोबारा से जो है ब्रश से ही कंसीलर को सेट करूंगी और जहाँ जहाँ मुझे एरियाज को अपने हाईलाइट करना है उसी एरिया पे रखकर करूंगी। इसके बाद हम नोज की थोड़ी थोड़ी कंटूरिंग कर लेंगे। मैंने कार्ला ब्यूटी सीक्रेट से ही कंटूरिंग का शेड लिया था, कंसीलर का लाइट शेड था इसमें ब्राउन का, उसी से मैंने कंसीलर को कंटूर कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है ब्लश का शेड यूज कर रही हूँ। ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये पैलेट, मैंने बहुत देर से खरीदी है जबकि इंस्टाग्राम पे ये बहुत इन है आजकल, फिर से ट्रेंडिंग में आई हुई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं ब्लश को पाउडर ब्लश के साथ सेट करूंगी। एसेंस का पाउडर ब्लश मैंने लिया है, ये वाले ब्लश भी बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ये मैंने कुवैत से ही बाय किए हुए हैं। और इसके बाद जी मैं यहाँ पर एसेंस का ही मेकअप फिक्सर से अच्छे से स्प्रे करके अपने मेकअप को लॉक कर दूंगी। आप लोग चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आपका मेकअप इससे यानी कि एक जगह लॉक हो जाएगा और हिलेगा नहीं काफी देर तक। तो यहाँ पर इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। जिन जिन एरियाज पे आपको हाइलाइटर चाहिए आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अपने अब लिपस्टिक लगाने लगी हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आज का ब्रॉन्ज मेकअप लुक आप लोग को कैसा लगा है। मैं वाया क्या बात कर रहा है, फेस टू फेस बात कर रहा हूँ, गूंगा दिखता हूँ क्या मैं? पर मैंने एसेंस की ही जो है लिपस्टिक यूज की है। यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने जो है प्रोडक्ट्स यूज किए हैं एसेंस वालों की ही यूज की है, ये मैंने खुद से बाय की हुई है।
तो यहाँ पर हमारा मेकअप होता है डन। होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और मुझे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझको याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।